दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 13 जून 2019 गुरुवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर निकला है। 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री डिप्लोमा और भी योग्यता है जिनसे आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आवेदन शुल्क आपको इनके लिए जमा करना होगा, कैसे चयन किया जाएगा, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग के अंतर्गत सिविल पुलिस कॉन्स्टेबल के 163 खाली पद है। सैलरी 21,400 से 42,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए कम से कम 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 19 से 25 वर्ष है। आयु की गणना 29 जून 2019 से की जाएगी। आवेदन शुल्क की वहीं बात की जाए तो जीएम और ओबीसी जिसके अंतर्गत 2A, 2B, 3A, 3B है इनके लिए ₹250 आवेदन शुल्क है। एससी एसटी सीएटी 1 के लिए यहाँ पर ₹100 आवेदन शुल्क है। शुल्क आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पोस्ट ऑफिस से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो ksp.gov.in। ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन कर्नाटका है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। डेट की वहीं बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 जून 2019 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 जून 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 3 जुलाई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत अप्रेंटिस के 500 का यहाँ पर खाली पद है। सैलरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4,984 है। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 3,542 है। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। वहीं बात आयु की जाए तो अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से तय की जाएगी। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के किया जाएगा, ओनली मेरिट के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो tn.gov.in। ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन तमिलनाडु है। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट 10 जून 2019 थी। नट पोर्टल के माध्यम से 24 जून 2019 लास्ट डेट है और ऑनलाइन करने के लिए जिसका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में उससे ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 26 जून 2019 है। शॉर्टलिस्टेड लिस्ट जारी होगी 1 जुलाई 2019 को। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट की बात की जाए तो यहाँ पर 8 से 10 जुलाई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है लिक्विड प्रोपल्यूशन सिस्टम सेंटर में। LPSC के अंतर्गत टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन कैटरिंग अटेंडेंट और ड्राइवर की बंपर वैकेंसीज निकली है। सैलरी लेवल 1, 2 और 3 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए 10वीं और ITI अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 25 और 35 वर्ष है। आयु की गणना 2 जुलाई 2019 से की जाएगी। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो lpsc.gov.in। ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तिरुवनंतपुरम केरला जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 जून 2019 है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑफिशियल पोर्टल पर 18 जून 2019 को ही अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। आप तभी इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 2 जुलाई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्वच्छता मंत्रालय में। सिटी कोऑर्डिनेटर के 384 खाली पद है। सैलरी 30,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। BBSC BRCH और बी प्लानिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
savach.maharashtra.gov.in ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन की वहीं बात की जाए तो महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए भी 11 जून 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप 17 जुलाई 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले नवल शिप रिपेयर यार्ड में, अप्रेंटिस के 172 खाली पद है। सेली अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी, 10वीं प्लस ITI अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 वर्ष है, आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा, सिलेक्शन भी रिटर्न एग्जाम के आधार पर किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट आप नोटिस से चेक कर सकते हो, कोच्ची केरला जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की वहीं बात की जाए तो 23 जुलाई 2019, आवेदन पत्र भरने के बाद में सेंड करने की अंतिम तिथि है। ऑफिशियल एड्रेस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, पोस्ट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क की बंपर वैकेंसी निकली है। सेली असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35,400 से 112,400 है लेवल 6 के अंतर्गत, और लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। 12th क्लास पास और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट पोस्ट के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 40 वर्ष, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 27 वर्ष। आयु की गणना 2 जुलाई 2019 से की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल या ओबीसी मेल के लिए ₹300 अप्लाई शुल्क है, SC/ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन भी ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। NIRRH.ARIAS.IN ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 11 जून 2019 थी, लास्ट डेट की वहीं बात की जाए तो 2 जुलाई 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 2 जुलाई 2019 है। रिटर्न टेस्ट हेल्ड होगा 26 जुलाई 2019 को। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एयर इंडिया लिमिटेड में, कैबिन क्रू की बंपर वैकेंसीज निकली है, ₹15,000 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है, आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। जनरल या ओबीसी के लिए ₹1,000 अप्लाई शुल्क है, जबकि SC/ST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री मेडिकल एग्जामिनेशन और रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। airindia.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 11 जून 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में, पोस्ट है जूनियर रेजिडेंट की, 140 खाली पद है, सैलरी 56,100, पे लेवल 10 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। MBBS और BDS अप्लाई कर सकते हैं। आयु की वहीं बात की जाए तो VMMC रूल के हिसाब से तय की जाएगी। जनरल कैटेगरी को ₹500 अप्लाई शुल्क जमा करना होगा, जबकि OBC को 250, SC/ST PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप NEFT या फिर RTGS से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। VMMC-SGH.NIC.IN ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 3 दिसंबर 2019 है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष के अंतिम माह में इसकी लास्ट डेट रखी गई है, आप 3 दिसंबर 2019 तक इसके ऑफिशियल एड्रेस पर आवेदन पत्र भरने के बाद में सेंड कर सकते हो। एड्रेस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मिस्र धातु निगम लिमिटेड में, एसोसिएट के लिए यहाँ पर वेरियस खाली पद है, ₹33,000 सैलरी है, ग्रेजुएट LLB और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं, 28 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है, आयु की गणना 10 जून 2019 से की जाएगी। कोई भी आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, सिलेक्शन भी रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। midhani-india.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। हैदराबाद तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 29 जून 2019 है।
उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है असम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विस में, पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर की, बम्पर वैकेंसीज है। सैलरी की वहीं बात की जाए तो 6.60 लाख पर ईयर के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बीएससी और एमएससी अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर्स मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 1 जून 2019 से की जाएगी। कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ARIAS.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती की बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। जॉब लोकेशन गुवाहाटी असम है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करना होगा। 18 जून 2019 सुबह 10:30 बजे आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा। इंटरव्यू के लिए एड्रेस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि गुरुवार की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको विभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से सभी की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। आप सिंपली किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी यहाँ पर लिंक दिया गया है। किसी भी भर्ती के लिए आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दिया गया है। आप सिंपली इसे किसी भी भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।